अचार खाएं और फर्टिलिटी बढ़ाएं। क्या साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है? समझेंगे कि पिकल्स को क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या गलतियां कर जाते हैं पिकल्स यूज करने में, क्योंकि पिकल्स अक्सर यूज करते हैं, घर में खाया जाता है, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ज्यादा यूज होता है। सो ऐसे में पिकल्स के कैसे यूजेस से हम अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। पिकल्स जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक होती है, यानी कि गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके गट को हेल्दी रखेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर रखता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पेट में गर्मी होती है, तो ये गुड बैक्टीरिया पीसीओडी में बहुत हेल्पफुल है। हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ गए हैं शरीर में तो भी ये गुड बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इनमें फॉलेट, विटामिन B6 एंड B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है शाकाहारी लोगों के लिए कि B12 के सोर्सेज ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसे में B12 की डेफिशिएंसी बनी रहती है शाकाहारी लोगों में। तो अगर आप भी शाकाहारी हैं तो पिकल्स आपके लिए टॉनिक की तरह, एक सुपर फूड की तरह काम कर सकता है B12 के सोर्सेज के फॉर्म में। एंड इसमें B6 भी पाया जाता है जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलेट जो कि बहुत यूजफुल है बेबी प्लानिंग में, इससे DNA डिफेक्ट्स कम होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स कम होते हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है। तो पिकल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ही जानना काफ़ी नहीं है, यहाँ स्टॉप नहीं करना वीडियो को। हमें समझना है कि पिकल्स खाने की मिस्टेक्स क्या है, किस तरह के पिकल खाने से हमें फायदे नहीं होते, केवल नुकसान ही होता है, तो वो भी हम आगे समझने वाले हैं। पिकल एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता है, यानी कि उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, इवन इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है। जो डायबिटिक है, जो PCOD के पेशेंट हैं, तो या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं, पिकल बहुत यूजफुल है उनके लिए। तो आप पिकल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर आप बेबी प्लानिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप डाइट में शामिल करने से पहले कुछ प्रो टिप्स आपको समझना है। क्या है वो प्रो टिप्स? नंबर 1 कि पिकल जानने के बाद आप तुरंत से ऑर्डर ना करें, खरीदें ना, बाहर से आपको पिकल नहीं खरीदना है। ये हो सकता है कि किन्हीं लोगों के लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन मैं हमेशा आपको ट्रुथ ही बताऊंगी, क्योंकि तो बाहर से जो भी आप पिकल परचेज करते हो उसमें सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जाता है, प्लस प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, ऑयल किस क्वालिटी का यूज़ किया, अच्छे से उसको पकाया गया है या नहीं, धूप में रखा गया है या नहीं, तो बाहर के पिकल को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो हमें घर में बनाना है। तो आप बताती है कि कौन सा पिकल खाएं? पिकल तो बहुत सारा बनता है, इंडिया में तो पिकल्स कई तरह के बनते हैं, अचार की इतनी वैरायटी होती है, तो क्या अचार खाएं? तो सबसे पहले समझना है नंबर 1, जो रैंक में नंबर 1 है वो है पिकल, नींबू का अचार नंबर 1 है, बेस्ट है, इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स के पिकल बहुत बनते हैं, जैसे सर्दी आती है तो गाजर, मूली, मिर्ची, पत्ते वाला जो लहसुन होता है, हरा जो लहसुन होता है, अदरक मिर्च के साथ नींबू के रस में उसका कूटा हुआ अचार बनाया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। कैरी का है, आंवले का अचार बनता है, कई सब्जियों का घर में मदर्स अचार बनाती है, तो वो सारी जो वेजिटेबल का अचार है जो घर में बनता है वो बहुत यूजफुल है। ज़्यादा तेल और ज़्यादा मिर्ची का यूज़ नहीं करना चाहिए, इवन रेड चिली पाउडर का यूज़ हमें पिकल में इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ये नहीं कि पिकल खा रहे तो उसका ढेर सारा ऑयल ले लिया हमने, पिकल को प्रिजर्व करने के लिए ऑयल डलता है, लेकिन हमको वो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए, हमें पिकल को कंज्यूम करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है हमारी बॉडी को। ये आपके वेट को मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही खाने का जायका आपका बढ़ाता है। और हाँ, न्यूट्रिशन का ये डेंस छोटा सा पैकेज है, तो आप पिकल ज़रूर खाइए, वेजिटेबल्स का खाइए, घर में थोड़ा थोड़ा बनाइए, उसको महीने भर में कंज्यूम करके फिर आगे की भी वेजिटेबल्स का, गोभी का, आलू का, चने का, बहुत सारे तरह के अचार बनाए जाते हैं, तो उनको आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर कंज्यूम करें। अगर अभी तक नहीं खाते थे तो लंच में, ब्रेकफास्ट में, या एक दिन में 1 या 2 बार अचार आप डेली खा सकते हैं। ध्यान रहे, घर का बना हुआ बढ़िया मसालों से तैयार अच्छे से पकाया हुआ पिकल ही आपके लिए यूजफुल है। तो पिकल से बेनिफिट तो ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन तरीके का पूरा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज़। थैंक यू।